गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए UPPCS के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम एनसीएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा, बताइए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के जो है महान शासकों में होती है, ठीक है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने भारत के बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था, ठीक है। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवद्ध किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यूनानी लेखक था एक जस्टिन, इस जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा था, बताइए। यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसको सेंड्रोकोटस कहा गया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है पहले, ठीक है। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को नहीं, कृष्ण देव राय को नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, ठीक है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है वो किया है। तो कौन है सेंड्रोकोटस? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है समीक्षा अधिकारी में, लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में। इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसने लिखी है? कौटिल्य ने, ठीक है। कौटिल्य के दो नाम और हैं, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में डिमेकस या डाइमेकस भारत आया था, बताइए। कहीं डिमेकस लिखा है, कहीं डाइमेकस लिखा है। किसके शासनकाल में आया था ये? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, ठीक है। तो किसके शासनकाल में आए? बिंदुसार की राजसभा में यानी बिंदुसार के शासनकाल में, ठीक है। और डिमेकस आया था, डिमेकस भेजा किसने था इसको? एंटियोकस ने, सीरिया का राजा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? पाटलिपुत्र यानी पटना लकड़ी का बना था, ठीक है। तो देखिए, बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से जो है मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष जो है वो प्रकाश में आए। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मालवा गुजरात महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? कौन सा शासक था वो जिसने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। देखिए, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संभव हुआ। आरंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला था, ठीक है। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार जो है प्रमाणित होता है और जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, गुजरात वाला एरिया सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? सेल्यूकस निकेटर
जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, उसको इनमें से किस भारतीय राजा ने हराया? समुद्रगुप्त ने नहीं हराया। अब बताइए, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना से जो है 305 ईसा पूर्व से रक्षा की उसने और इसे परास्त किया, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना से 305 में रक्षा की और उसे पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, सेल्यूकस निकेटर को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? इसका उत्तर है अशोक। और अशोक इंपॉर्टेंट है, अशोक से प्रश्न बनते हैं कंपटेटिव एग्जाम में, पीसीएस में, यूपीएससी भी 2-3 साल में एक प्रश्न बनाई लेती है अशोक से। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके जो है वो त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार सम्मिलित था, कलिंग सम्मिलित था, श्रीलंका नहीं था। तो श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था, ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका को छोड़कर सभी जगह था। कौन से अभिलेख से? दूसरे अभिलेख से। कितने अभिलेख हैं इसके? 13, ठीक है। वो 13 पूछ ले जाते हैं, जैसे कलिंग युद्ध का वर्णन कुछ इंपॉर्टेंट है, 13वें शिलालेख में अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइए, तृतीय मुख्य शिलालेख या अभिलेख कह लो, दूसरा, नवा, पहला, दूसरे में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है। अशोक की कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें? 13वें शिलालेख या अभिलेख में। भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, धनवंतरी, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक? इसका उत्तर है अशोक ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्य एवं पशुओं के लिए उपयोगी और औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल यानी औषधालय और औषधि बागों का निर्माण करवाया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका उत्तर भी अशोक ही है, ठीक है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने करवाया और इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है और इस प्रतिकृति को जो है भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का सबसे अच्छा जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी इनमें मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? राजयुक्त, प्रादेशिक युक्त, अग्रहारिक? मौर्य प्रशासन में राजयुक्त था, प्रादेशिक था, युक्त था, अग्रहारिक नहीं था, ठीक है। अग्रहारिक का संबंध किससे है? मौर्य प्रशासन से नहीं है, ठीक है। बात करें युक्त की, तो युक्त जो है जिले का अधिकारी होता था जो राजस्व वसूल करता था। जो राजयुक्त था, राजयुक्त, वो पहले राजस्व विभाग का कार्य करता था, बाद में जो है उसको न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। और जो प्रादेशिक था वो मंडल का प्रधान अधिकारी था, ठीक है। तो युक्त हो गया जिले का अधिकारी जो राजस्व वसूलेगा, राजयुक्त पहले राजस्व विभाग का कार्य करेगा, फिर उसके बाद न्यायिक अधिकारी बना वो। जो प्रादेशिक था वो मंडल का प्रधान अधिकारी था। अग्रहारिक का संबंध मौर्य प्रशासन से नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि यानी इधर से लेकर इधर। क्योंकि आप इस तरफ खड़े हैं तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी खरोष्ठी। तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है लोअर पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, अपर पीसीएस में। 2015 में जो यूपी की राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, विकुटन किया या किसने पढ़ा, इस तरह से पूछ लेते हैं इसको। क्या है इसका उत्तर? कन्फ्यूज़न रहता है अधिकतर विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप में। ठीक है, मैक्स मूलर को हटा दीजिए, जॉर्ज व्हीलर हटा दीजिए, तो जेम्स प्रिंसेप है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। तो सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन या उनको पढ़ना, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो 15 प्रश्न थे एंशियंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। UPSC सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, कल जो उसका टेस्ट पड़ा था उसका PDF आपको जो है टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना।